अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट लेकर आई हूँ और इस वक्त मैं ये अल्पाइन जेलोटू में खड़ी हुई हूँ। इसकी अंदर मैं आपको ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि इनके पास कौन से फ्लेवर्स हैं, क्या क्या है। चलें अंदर चलते हैं। ये देखें, हम अंदर आ चुके हैं ये अल्पाइन जेलोटू में, और यहाँ कुछ लोग भी हैं। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि अभी टाइम इतना हुआ नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास माशाल्लाह से बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, और हम यहाँ आते रहते हैं, खाते रहते हैं। देखिए आप, चॉकलेट फ्लेवर, टूटी फ्रूटी, पिस्ता, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है इनके पास। ये स्ट्रॉबेरी भी नज़र आ रही है और शायद चीकू है, काफ़ी फ्लेवर्स हैं। भाई कितने का कप है आपका? सिंगल 90 का है और डबल 160 का है। और आपके पास कोन भी होती है? कोन भी होती है, कोन के साथ सेम प्राइस है। अच्छा, और बैठ के खाने में भी यही सेम प्राइस ही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत सारे फ्लेवर्स देख रही हूँ मैं। और मैं पिछले हफ्ते आई थी, मैं लेके गई थी भाई के साथ आइसक्रीम, मैंने सोचा आज चल के आपकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं ये देखिए जैम फूड पे खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे फास्ट फूड भी है, पिज़्ज़ा है, बारबेक्यू है, बिरयानी है, चाइनीज़ है। और अब हम अंदर जाके देखते हैं कि इनके पास क्या क्या कुछ है। ये देखें, यहाँ पे इनके पास बारबेक्यू का सामान तैयार हो रहा है, चीज़ें लगी हुई हैं और माशाल्लाह से काफ़ी। और शायद वहाँ पे पराठे भी बन रहे हैं, यहाँ पराठे बन रहे हैं इनके पास, और यहाँ पे सीखें लगी हुई हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आएगा ये तैयार करते जाएंगे। और ये चाइनीज़ लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये चाइनीज़ है ये, हाँ इनसे पूछते हैं। बात सुनिए, ये कितने की प्लेट है चाइनीज़ की? बात सुनो भाई, ये चाइनीज़ प्लेट कितने की है? 500 की। सिंगल है, डबल है? सिंगल है। ये 390 रुपए की प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इनके पास। आपके पास ये जो चाइनीज प्लेट रखी हुई है, ये कितने की एक प्लेट है वहाँ पूछना होगा। अच्छा, ये देखिए किसी के ऑर्डर आए हुए हैं यहाँ पर, और इनके पास बन वगैरह भी है। ये इनका चिकन जल फ्राइजी, बारबेक्यू, बिरयानी, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ बन रहा है इनके पास। चलें अंदर चलते हैं। अच्छा, अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं? पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप? अच्छा, ये पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। ये देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे इनके पिज़्ज़ा के। जी, क्या प्राइस है पिज़्ज़ा की? सुनिए, पिज़्ज़ा कितने का है आपके पास? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, ये एक मिनट, लोगों को बताना होता है ना। ये देखिए इनके पास पिज़्ज़ा रोल है, और ये चिकन बर्गर है, डबल चीज़ बर्गर है, और स्विस मशरूम्स हैं, काफ़ी कुछ है इनके पास। अब हम ऊपर फैमिली हॉल में जा रहे हैं। अब आ गई हूँ मैं ये कराची बेकर्स पर, और अब अंदर जाके इनकी थोड़ी सी अंदर से वीडियो बनाती हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बेकरी लग रही है ये। पहले ही आपको कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, तरह तरह के बच्चों के निम्को की चीज़ें हैं, और यहाँ पे डिफरेंट केक्स हैं। ये देखिए इनके पास माशाल्लाह से केक की काफ़ी वैरायटी है, नीचे पेस्ट्रीज भी हैं,
ये देखें, और इस तरफ इनके पास ये है, आई थिंक ये बर्थडे वगैरह का सामान है, चॉकलेट रस्क है, मार्बल केक है, पेस्ट्री केक, केक पेस्ट्री है, ब्राउनीज हैं, चॉकलेट कप केक्स हैं, और यहाँ पे इनके पास डिफरेंट कई पापे हैं। ये नीचे बिस्किट्स हैं, मतलब आप एक देखे आ जाइए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बेकरी आइटम। ये देखिए माशाल्लाह से सब चीज़ें फ्रेश रखी हुई हैं और बहुत अच्छी हैं। ये क्रीम रोल्स हैं, हम बचपन में बहुत खाते थे। ये कपकेक्स हैं, नान खताई है, पेस्ट्रीज हैं, ब्राउनीज हैं, माशाल्लाह से सब चीज़ें हैं और बहुत मुनासिब रेट पे हैं। जैम्स भी हैं इनके पास, कैचअप वगैरह है, जैम जेली है, मतलब आप एक शॉप में आइए आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, हर चीज़, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ये कप केक देख रहे हैं, ये दिखाइएगा, ये 60 रुपए का है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बन भी काफ़ी है इनके पास। और यहाँ पे चपातियाँ बन रही है इनके पास, ये फरमाइशी चपाती कहलाती है, ये इनका बोर्ड पे ज़रा मिट गया है लेकिन माशाल्लाह से चपातियाँ बन रही हैं। और ये देखिए, ये चपातियाँ बन रही हैं गरम गरम और हाथ के हाथ चली जाती हैं, माशाल्लाह। ये फ्रूट स्ट्रीट है ना, हाँ, ये है जनाब हमारे पान वाले भाई साहब। भाई कितने पान रोल बेच लेते हैं आप? 800 चलती हुई रोजी, चलती हुई रोजी। अच्छा, ये देखें ये पान तैयार कर रहे हैं, चूना लगाया, कत्था लगाया, अब इसमें इनको जो भी डालना होगा ना, जैसे कहा मांगने का, मीठा मांगने का तो मीठा बना देंगे और सादा खुशबू बोलेगा तो सादा खुशबू बना देंगे। और ये है जनाब फ्रूट वाले, ये फ्रूट वाले भाई हैं, रात के बाद भी फ्रूट माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी कुछ रखा हुआ है, केले हैं, चीकू हैं, आम आ गए हैं, और अपना ये चेरी रखी हुई है, ये देखिए चेरी, चेरी कैसे पाव है? 250 रुपये पाव है चेरी, और इनकी चेरी ना अच्छी बड़ी बड़ी है, ये देखिए अच्छी बड़ी बड़ी चेरी है इनकी, बड़ी बड़ी चेरी रखी हुई है माशाल्लाह से, अच्छी बड़ी बड़ी है, ये देखें। और ये फालसे हैं, आम कैसे किलो हैं? 250 रुपये किलो है, ठीक है। और अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी वाले के पास, देखिए रात के बाद भी सब्ज़ी वाले की ठेला खुला हुआ है, खीरे, बैंगन, टिंडे, तुरई, गोभी, करेले, लौकी, भिंडी, सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं, अगर किसी को रात को ज़रूरत पड़ जाए तो आराम से यहाँ के लोग आके रात के वक्त भी सब्जी ले सकते हैं, रात के 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक। अच्छा, दिन में कब आते हो बेटा? सुबह कितने बजे आते हो? 6। सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक ये हैं भाई, अगर कभी कहीं आपको सब्ज़ी ना मिल रही हो तो आप हुसैनाबाद आ जाइए, यहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रूट भी खुला हुआ है, सब्ज़ी भी खुली हुई है, और हर तरह की चीज़, और ये आहत फार्मेसी ये भी है। हाँ जी, हमारे मियाँ को करेले अच्छे लग रहे हैं लेकिन अभी पकाने का टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। क्या रहे आप, ये क्या है? हाँ भाई, तवा चिकन। अच्छा, ये देखिए ये तवा चिकन बन रहा है, और ये क्या है, प्लेट प्लेट का हिसाब होता है, पीस का कैसे, मतलब कितना, कितने का पीस है? अच्छा, 480 का लेग है और 530 का सीना है, ठीक है, तवा चिकन बन रही है। ये मैं आई हूँ, लिमका है, लिमका, और इनके पास देखिए ग्लासें कितनी अच्छी तरह से इन्होंने सेट करके रखी हुई हैं माशाल्लाह से, बड़ी मेहनत की है। भाई कितने का ग्लास है लिमका का? 250। अच्छा, मटके में 250 का और सिंपल ग्लास 100 रुपये का, और फ्लेवर कौन कौन से हैं? अच्छा, और कब आते हैं आप आते कब है, ये लगाते कब है?
अच्छा सुनिए भाई, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होते हैं। कभी आप लोगों को लिमका पीना है तो आप यहाँ हुसैनाबाद आ जाइए और यहाँ आपको आराम से लिमका मिल जाएगा। और इनके साथ ही है ये क्या है भाई, ओए होए मेरी फेवरेट डिश, ये देखिए ये नूडल्स बना रहे। कितने की प्लेट है भाई? 400 प्लेट की प्लेट है। मोमोज है, चाउमीन है, विंग्स है, वाइट सॉस है, ये मेन्यू कार्ड है। अच्छा मोमोज है, विंग्स है, काउस है, वाइट सॉस है। सही सही। और नाम क्या है तुम्हारा इसका? स्माइल स्पाइस विला। स्पाइस विला, अच्छा ये देखें, ये देखें भाई चिकन बॉयल हो रही है, स्टीम से आपको नज़र नहीं आएगा। और ये फ्राइड राइस, वो अच्छा ये मोमोज हैं इनके पास। अच्छा ये मोमोज है और ये स्पेगेटी चाउमीन तैयार हो रहा है और वहाँ पे उनकी वेजिटेबल कटी हुई है माशाल्लाह से। और अब आ गई हूँ मैं ये गोलगप्पे वाले के पास। पानी पूरी, गोलगप्पा, कोई लोग पानी पूरी कहते हैं, कोई गोलगप्पा कहता है, और ये यहाँ है नहीं अभी। हाँ भाई कितने की प्लेट है गोलगप्पे की? दो से बोलिए। 180 रुपये डजन। अच्छा और कब से कब तक होते हैं आप? 6 बजे से रात 4 बजे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से गोलगप्पे रखे हैं। और ये एक बन रही है जनाब कलेजी, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इनके पास ये बना रहे हैं कलेजी, खा रहे हैं कलेजी, बन रही है भैया। कितने की प्लेट है? 100-150-200 की प्लेट है। और कब आते हो, कब जाते हो? हम शाम में आते हैं, मगर से पहले। अच्छा, ओए होए रात 4 बजे जाते हैं भाई। और ये सारी रोजाना बिक जाती है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे भाई। सही सही, क्या बना रहे हो? अच्छा मटके में स्पेशल, ये देखे भाई ये इनका लिमका स्पेशल है। कितने का ग्लास, कितने का मटका? 200 का। अच्छा अच्छा सही सही, ये देखें भाई इन्होंने LCD पे अपनी स्क्रीन लगाई हुई है माशाल्लाह से। और इनका लिमका बहुत अच्छा होता है। और आप लोग जब भी हुसैनाबाद आए या जब भी आपका दिल चाहे लिमका पीने तो आप यहाँ आ सकते हैं, रात भर चलता रहता है ये। पहले देखिए मटके में भी है और ग्लास में भी है। क्या कहलाता है भाई? फुल्की सोडा कहलाता है। फुल्की सोडा, अच्छा ठीक है। स्पेशल चिली फ्लेवर होता है, ये ग्रीन चिली। अच्छा अच्छा, बहुत मजे से पीते हैं। अच्छा अब हम भी खाना खा लें तो फिर पिएंगे, अभी तो हमने खाना ही नहीं खाया है। ये देखें कराची हलीम फैमिली हॉल भी है और माशाल्लाह से अच्छी बड़ी शॉप है, मगर हम अंदर नहीं जा रहे, बस बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं ब्रोस टाउन पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे स्पाइसी चरगा, चाइनीज, फास्ट फूड, बारबेक्यू सब कुछ है। और चल के देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, क्या हो सकता है। अच्छा भाई चरगे का बताइएगा। अच्छा नहीं वो बड़ी शौक थी। अच्छा फुल 16 का है और हाफ 800 का, 1660 और हाफ 830 का है। ठीक है, ग्रिल चल रहा है। अच्छा क्या हिसाब है, वो कहाँ मिलेगा? अंदर है। अच्छा चले अंदर चल के देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखिए मैं अंदर आ गई हूँ, यहाँ पे यहाँ पे सब चीजें तैयार है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इनकी टिक्के तैयार हो रहे हैं, टिक्के हैं और कबाब हैं, ये सब चीज़ें हैं और शायद पराठे भी बन रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से इन्होंने सौंफ, चालिया, खोपरे की
बॉटल्स बना के रखी हैं और इतनी सारी हैं माशाल्लाह से और इतनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें, इन्होंने पान भी सजा के, पता नहीं क्या क्या कुछ सजा के रखा हुआ है, पान भी है इनके पास। और सबसे अच्छा जो लग रहा है ना वो ये बोतलें लग रही हैं। इनके स्टॉल का कोई नाम नहीं है लेकिन इनकी बोतलें बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। सौंफ वगैरह की सौंफ है और खोपरा है और जो मीठी मीठी चीज़ें बीच में होती हैं वो सब कुछ है इसमें। अब ये है या नहीं है वरना मैं इनसे पूछती कि कितने की बोतल है, देखती हूँ मैं अगर आ जाए तो पूछती हूँ। ये ले भाई, ये आ गए हैं। अब ये बेटा बताओ, ये जो बड़ी बोतल है ना, ये वाली ये इसकी प्राइस क्या है? हाँ नहीं, इसके बराबर। हाँ ये अच्छा। और ये नीचे क्या, ये क्या है? ये पान है, मीठे स्पेशल चॉकलेट वाले, चॉकलेट वाले पान है। और इसमें भी पान है? ये पार्सल करे में, ये जो बोलते हैं लोग खिला जो तो इसको। अच्छा, ये 500 रुपए की बोतल है जी। ये मुझे चेक करवा रहे हैं, वो इतना सारा दे दिया। है तो अच्छा तो बेटा जाओ, कुछ कम नहीं करोगे? साढ़े 500, 600 रुपए की बेचते, 500 रुपए। ये खाली डब्बी 80 रुपए की, नेक्स्ट टाइम आएगी डब्बी फिल करवा ले 80 रुपए मैंने। बगैर डब्बी के दे दोगे मुझे? बगैर डब्बी के दे दोगे कितने का दोगे? 420 रुपए। बगैर डब्बी के 420 रुपए का। सुनो, ये कितना है वजन में, कितना है बेटा वजन का? नहीं बहनी का सब। अच्छा, तीन पाव खाना होता है, क्या करना है बताइए, देना है? इसका क्या हिसाब है? 420। तो ये 1000 का नोट आपको। नहीं चले, अब ये बच्चा जो है ना हमारे लिए स्पेशल कुल्की बना रहा है, कुल्की। और ये बनेगी, ये जो छोटी सी हंडिया जैसी है। बेटा क्या क्या डाल रहे हो बताते जाओ। इसमें फ्लेवर डालने अभी। अच्छा, पता नहीं ये क्या क्या मिला रहा है, देखिए। तुम्हारा ना हाथ आ जा रहा है। हाँ, अब क्या डाल रहे हो? नमक कम डालना, हाँ हल्का रखना। हाँ ब्लड प्रेशर है मुझे तो जरा सा नमक पे हाथ हल्का। अब ये क्या डाल रहे हो? ये चटनी है। अच्छा, बहुत स्पाइसी तो नहीं होगी? नॉर्मल होगी। अच्छा, ये सोडा ओए तेरी की। ये तो भाई ये स्पेशल कुल्की तैयार हो रही है। तैयार हो गई बेटा? अच्छा, अभी और भी डलेगा इसमें कुछ। अच्छा, अब ये शायद इसमें मेरे ख्याल में पुदीना डालने वाले हैं। भाई नींबू भी डाला, पुदीना भी डाला, मिर्ची भी रख रहे हैं। वाह जबरदस्त, तैयार हो गई भाई। ये देखें भाई, ये इनका नाम भी लिखा हुआ है,
मरहबा मरहबा निमका लिमका होता है शायद, मैं निमका बोलती हूँ, लिमका होता है। ये देखिए ये हुसैनाबाद पे माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा स्टॉल है, और इन्होंने बड़ी सफाई से अपना लिमका तैयार किया है, और अब हम आराम से बैठ के पियेंगे। ये देखें इन्होंने इसमें हरी मिर्च भी रखी है, लीमू भी रखा है, पुदीने के पत्ते भी रखे हैं माशाल्लाह से। अब पी के बताएंगे हम आपको कि ये कैसा है। चलें जी अब पीना शुरू करते हैं। चले भाई आप शुरू हो जाएं, आप पीजे में बना रही हूँ, और पी के बताइए कैसा है। ज़बरदस्त। अब मेरी बारी है, नहीं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है, मैंने सिप लिया, यकीन कीजिए बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। आप लोगों को जब भी मौका मिले ना यहाँ ज़रूर आइए, और ज़रूर आके इनका लिमका पीजिए। जी अगर आपके चैनल की तवज्जो से कोई भी आता है, कोई सा भी फ्लेवर आप हमसे बनवाएं, तो आप फ्री है, लेकिन आपका चैनल का नाम लें जो आर एम लाइफ स्टाइल है, वो आप हमसे कहेंगे, आपका नाम लेंगे तो इंशाल्लाह हम एक ग्लास फ्री देंगे। जी देखा आप लोगों ने सुना कि ये कह रहे हैं अगर हमारे चैनल के नाम से आप में से कोई आता है आर एम लाइफ स्टाइल के नाम से, तो ये इनको 3 कुल्फियों पर 1 सोडे का ग्लास फ्री देंगे। तो बस जल्दी कीजिए, आप लोगों का भी फ़ायदा, जल्दी जल्दी आएँ और आके यहाँ लिमका पी जाओ, यकीन कीजिए बहुत मज़े का है। और ये कह रहे हैं कि जो फ्लेवर आप मांगेंगे ना ये आपको वही फ्लेवर देंगे। ये चलें अब हम लिमका पी के अब हम घर की तरफ जाएंगे, और आप लोगों से बस यही है कि माशाल्लाह हुसैनाबाद की सैर आपको कैसी लगी। एक मिनट शोर आ रहा है। देखें जी ये देखें जी हुसैनाबाद की रौनक, जैसी जैसी रात होती जाएगी वैसी वैसी यहाँ पे रौनक बढ़ती जाएगी। और अब हमने खाना भी खा लिया, लिमका भी पी लिया, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज हुसैनाबाद की सैर मेरे साथ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सैर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द फिर एक अच्छी वीडियो लेके आती हूँ आपके पास। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।